दोस्तों ये मुख्य मंदिर का गुंबद राधा कृष्ण का, और इसी में स्थित है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थल, कृष्ण का कारागार, जहाँ उस कंस ने माता देवकी और वसुदेव को कारागार में बंदी बना के रखा था। तो आइए आज दर्शन कराते हैं आपको कृष्ण जन्मभूमि के, और हम आ चुके हैं जहाँ भगवान श्री कृष्ण का द्वापर काल में जन्म हुआ था। इसका मुख्य द्वार आने वाला है। आखिरकार हम पहुँच चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे। आइए सभी को दर्शन कराते हैं कृष्ण जन्मभूमि के, और ये है कृष्ण द्वार। यहीं से जन्मभूमि के अंदर एंट्री होती है हमारी, और कृष्ण जन्मभूमि जहाँ पे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, और यहीं पे वो कारागाह है जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को के पिताजी को और माता देवकी को बेड़ियों में जकड़ के रखा गया था। कृष्ण जन्मभूमि के बाहर पुलिस की सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि कभी यहाँ पे हालात ना बिगड़े, सुरक्षा और शांति कायम रहे। तो चलिए गेट नंबर 1 से हम इसके अंदर एंट्री करते हैं। कृष्ण जन्मभूमि के बाहर से ही मंदिर का गुंबद आपको दिखाई दे रहा है, और बाह्य परिक्रमा मार्ग जो रोड है इधर, क्योंकि आप जानते हैं कि कृष्ण जन्मभूमि के 3 मुख्य द्वार है, और तीनों मुख्य द्वार से आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। सुरक्षा की बेहद ही पुख्ता व्यवस्था चप्पे चप्पे पे पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पे चेकिंग होती है हर फ्लोर पे। जहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर है सब जगह कमांडो पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। बहुत ही हाई सिक्योरिटी यूपी योगी बाबा की, जो हमारे यूपी के मुख्यमंत्री है, बहुत ही हाई सिक्योरिटी है। चिड़िया भी पर नहीं मार सकती है। यहाँ पर आप देखिए, ये सामने से ये कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार और मंदिर का गुंबद भी यहाँ से दिखाई देता है, और इसी के अंदर स्थित है भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान, कंस का कारागार, जहाँ उसने देवकी और वसुदेव को बंदी बना के रखा था और उनकी 6 संतानों का वध कर दिया था। और जब 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु के 8वें अवतार कन्यालाल भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, तो सबसे ही वसुदेव और माता देवकी की जो बेड़ियाँ थी वो खुल गई, और जितने भी सैनिक थे वो एक योग निद्रा में 15 की अवस्था में चले गए थे। और उसके बाद में जो वसुदेव थे, वसुदेव ने कन्यालाल को एक टोकरी में पालने में लेके यमुना नदी से पार गोकुल पहुंचाया था, और वहीं पे नंद भवन में भगवान कृष्ण का माता यशोदा ने लालन पोषण किया था। तो दोस्तों यह है कृष्ण जन्मभूमि, जो मथुरा द्वारकाधीश मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, और यहाँ पे 8 बजे राधा कृष्ण का जो मंदिर है, राधा कृष्ण के मंदिर के श्रृंगार होने के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। 3 द्वार है, तीनों द्वारों से आपकी एंट्री होती है। तो अब हम निकल चुके हैं कृष्ण जन्मभूमि से भूतेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। चलिए मथुरा की पावन धरा पे आपको दर्शन करवाते हैं भूतेश्वर महादेव की। तो कैसा लगा ये छोटा सा मिनी व्लॉग? अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, और बोलिए जय श्री कृष्ण राधे राधे।